नमस्कार। 20 दिन में पंचकर्म ट्रीटमेंट से क्या क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, उसकी एक और फीडबैक वीडियो। और आज हम बात करते हैं झारखंड से आए हुए एक व्यक्ति की, जिन्होंने पंचकर्म कराया और उनको क्या रिजल्ट्स मिले, चलिए उनसे जानते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? नवन देव। कहाँ से हैं आप नवन जी? देवघर, झारखंड से। झारखंड से। क्या एज है आपकी? 19 एज। क्या तकलीफ होती थी जिसके लिए आप यहाँ पर आए थे? पिछले 2-3 साल से गैस ज़्यादा होता था, फैका ज़्यादा होती थी, पेट गरम रहता था, रोज स्टोन स्टिकी स्टोन की दिक्कत थी, एक दिन में मोशन 2-3 बार जाना पड़ता था और सेटिस्फैक्शन फिर भी रहेंगे। कैसे शुरू हुआ था ये तकलीफ? ये शुरू 3 साल पहले लॉकडाउन के आसपास शुरू हुआ था। घर पे खाना तो इधर उधर रोज से खा रहा था, ये बस ऐसे ही अपने आप शुरू हो गया। वो केला ये सब ज़्यादा खा रहा था लॉकडाउन में, दूध केला ये सब वक्त खाना। आपको शेक वगैरह भी बना के ड्राई फ्रूट्स मिल्क शेक, ये किसी ने बोला था? मतलब मैं एक्सरसाइज तो ज़्यादा कर रहा था, थोड़ा सा वेट को डाउन करना इससे। तो दूध केला का शेक और कौन कौन से शेक लिए? नहीं, दूध केला ये सुने, उसी में ओट्स डेट्स पीनट वटर ये सब डाल के बने। ऐसे 24 घंटे में कितनी बार खाते थे? उसमें तो 4 बार 5 बार, 4 से 5 बार हम खाते थे। सो आप जब आपने ऑनलाइन कंसल्ट किया था तो आपने बोला था कि आपको लूज और स्टिकी स्टूल होते थे, राइट? और सिर पे आपको बहुत सारी फोड़ी फुंसियाँ होती थी, उसमें क्या होता था? उसमें खुजली से होता था, फुंसी बार बार सही होता था, फिर से उसमें से पस या फोन कुछ निकलता था? फोन तो कुछ, फेस पे बहुत सारे दाने रहते थे, दाने रहते फिर से आ जाते थे, कितने नहीं फेस वॉश वगैरह ये सब रहता तो कोई नहीं, आराम नहीं होता था उससे। ठीक। और वेट लॉस भी आपको अपने लगी और 7 to 8 डेज से हुआ? ठीक। फिर आपको दूध की चीज़ों से तकलीफ होती थी, क्या होता था? दूध पिया तो गैस ज़्यादा मिलता था, पेट भरा सड़ना मत, हाँ ऐसे दिक्कत हो, ऐसे दही वगैरह दही से तो नहीं होता लेकिन दूध से ही मिलेंगे। ठीक। और भूख आपको नहीं लगती थी? भूख लगती थी, हाँ। लेकिन अच्छे से खाना नहीं आ जाता, हजम नहीं होता था, एक रोटी में ही जैसे पेट भर गया। ओके सर। मतलब भूख का सेंसेशन आता था और आप अगर एक रोटी खा लिए तो बस उसी में बैठ गए। और कमजोरी आपको लग गई? यस बहुत, इसलिए सर। तो फिर आपने ऑनलाइन कंसल्ट करके क्लिनिक से दवा मंगाई थी? नहीं, इधर मैं डायरेक्ट इधर। ओके, आप डायरेक्ट क्लिनिक आए थे ऑनलाइन कंसल्ट करके। ठीक। तो क्या क्या ट्रीटमेंट किया आपने यहाँ पे? पहले तो 7 डेज के अभी मेडिसिन सेट, उसके बाद वमन हुआ मैं। वमन में क्या किया आपने? घी पिया। कितने दिन घी पिया? 4 से 5 दिन घी पिया। फिर घी पीने के बाद क्या किया आपने? वॉमिट सा सेंसेशन लगता था, उसके बाद फिर जिस दिन वमन था मेरा उस दिन आधा से एक बाल्टी वमन हुआ। आधा से एक बाल्टी आपने वमन किया? ठीक। वमन करते समय क्या क्या हुआ आपको? थोड़ी वॉमिट से ही तो नहीं, तो उसमें सम्मेलन का कुछ निकला आप निकला, उसमें खट्टा कड़वा पानी आया था, हाँ। ठीक। थोड़ा मुंह में इधर जो मेडिसिन दे रहे थे काढ़ा, उसका टेस्ट आया लास्ट में। तो वमन किया आपने और बस्ती किया, है ना? कितने दिन बस्ती की? बस्ती 8 डेज। तो हमारे क्लिनिक में टोटल आपने लगभग वमन का 12 दिन और बस्ती का 8 दिन, 20 दिन के आसपास का टाइम दिया, और शुरू में 7 दिन जो आपने दवाई ली। ठीक। तो ये कैसा एक्सपीरियंस था 20-25 दिन का, क्या क्या आराम हुआ आपको? और अच्छा एक्सपीरियंस था आयुर्वेद से, 60% 70% हो चुका है। 20 से 25 दिन में कितना आराम? 60% आप जब आए तो फेस पे बहुत सारे आपको पीले पीले पस वाली फुंसियाँ फोड़ी थी, वो सब कैसा था? पस वाला टूटा क्लियर हो गया, केवल अभी बस छोटी छोटी सी फुंसियाँ रेड कलर की बची। और आपका ग्लो कैसा है? ग्लो पहले से बढ़ा है, पहले से ग्लो अच्छा खासा बढ़ा है। एनर्जी भी अब मैसी है, एनर्जी लगा, एनर्जेटिक। भूख कैसी है? भूख टाइम तो रख, भूख 4-5 से 4 घंटे में भूख लगता, भूख लगती है 4 घंटे में। अभी खा पाते हो? कितनी बार खाते हो? 3 से 4 बार खा पाते हो, तो वो हजम होता है? बिल्कुल। पहले जो एक रोटी खाने पे पेट भर जाता था, अभी कैसा है वो? अभी तो दो ढाई रोटी तक। और उसके साथ और क्या खाते हो, या केवल रोटी खाते हो? रोटी सब्जी दाल, सब्जी दाल खाते हो। कोई फल खा के देखा है? फल हजम होता है? हाँ, फल तो बन नॉर्मल। केला अभी खा के अभी तक? नहीं जी, केला नहीं, आपने कफ बोला था इसलिए केला अभी तक नहीं शुरू हुआ है। एप्पल्स, पपाया, ये सब वो हजम होता है? बिल्कुल। ठीक।
और वाइट टंग वाला जो तकलीफ था वो रिड्यूस हुआ है इन अभी तक हम पूरा नहीं किया पर कम हुआ है पहले से। कितना कम लगता है पहले से? ये 30% 30% कम लगता है। ठीक, लूज और स्टिकी स्टूल बोला था वो कैसा है? वो तो अभी तो बस्ती हुआ तो उसके कारण इतना पता आपको नहीं। वमन होने के बाद फिर कैसा हो रहा था? वमन के बाद शुरू में दो दिन लिक्विड डाइट था तो थोड़ी वीकनेस रही, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सॉलिड पे आया तो रिकवरी सही हुई। और जो वीकनेस लगती थी वो वीकनेस कैसी है अभी? बहुत कम, 60-70%। तो जो आप झारखंड से जिन तकलीफों को लेके आए थे और आपने 20-25 दिन जो मुंबई में ट्रीटमेंट किया, तो ओवरऑल कितना परसेंट आपको आराम लगता है सभी प्रॉब्लम में? 65-70% आपको आराम लगता है। ठीक, और कैसा था आपका आयुर्वेद का एक्सपीरियंस? आपने लाइफ में फर्स्ट टाइम वमन किया, बस्ती किया, तो क्या था आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, वमन किया, फिर लास्ट में धूम्रपान भी किया, पहली बार धूम्रपान था, फिर धूम्रपान तो अच्छा है, कभी जरूरत ना पड़े। बहुत बाकी आयुर्वेद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बाकी यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स थे वमन के टाइम पे आप और जितने अभी स्टाफ थे बहुत अच्छे, अच्छा लगा। आपको डर नहीं लगा? बहुत से लोग बोलते हैं आयुर्वेद से किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है, ये क्योंकि आपकी एज हार्डली 17-18 साल है, तो उसको लेके कुछ आपके मत में नहीं है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो भरोसा था, हमारे भारत में वीसी द्वारा ये सब स्थापित किया गया है, और तो यूरोपियन कंट्री के द्वारा बाद में एलोपैथी आया तो उससे ऐसे तो हमारे भारत में आयुर्वेद नहीं है, सबसे शिक्षा चिकित्सक होता है वो उन्हीं से इलाज हो रहे थे, तो उन पर मेरा मुझे पूरा हाँ। और ये कि ये फीडबैक आप अपने मन से दे रहे हैं राइट, कि आपको इसके लिए कुछ फोर्स किया गया है? अपने मन से, आप अपने ही मन से दे रहे हैं। ठीक, गुड, आयुर्वेद पे आपको ट्रस्ट था और आपने वो किया और आपको उससे आराम मिला। डर ठीक, ये है नलन जी, ये झारखंड से, इनका फेस हम ब्लर रखेंगे, ये जब भी उनकी छुपी रहे तो अभी उनको आपकी कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई करनी है इसलिए फेस रखा हम ब्लर रखेंगे। और ये कई सारे जो आयुर्वेद को लेकर लोग बोलते हैं कि उससे किडनी हो जाएगी या हो जाएगी, सो आपने बहुत सारे पेशेंट्स की फीडबैक देखे होंगे, अगर कोई प्रॉपर डाइट फॉलो करता है, प्रॉपर पंचकर्म या लाइफस्टाइल फॉलो करता है, तो जो भी बीमारियां उसमें आपको आराम डेफिनेटली मिलता है। ठीक, चलेगा, थैंक यू, धन्यवाद।